बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के किनारे एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। बंदर और नदी के मगरमच्छ दोस्त हुए। मगरमच्छ का घर उधर से बहुत दूर होने पर वह रोज सुबह ही निकलकर बंदर के पास आता था। उसके दोस्त आते ही पेड़ के आमों को तोड़कर उसकी तरफ फेंकता। ऐसे पूरा दिन मीठे आम खाते हुए पेड़ से बंदर और नदी से मगरमच्छ गपशप करते। फिर शाम को वापस आते वक्त बंदर के दी हुए आमों को मगरमच्छ घर ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी भी उन आमों को मजे से खाती थी। उसके खाने तक मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर का बहुत तारीफ करता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती देख जंगल के सारे जानवर चौंक जाते। उस आम के पेड़ पर कभी कभी एक कौवा आकर बोल जाता कि उस मगरमच्छ पर वह भरोसा ना करे। दोस्त, मगरमच्छ माफ करता है। अगर कभी तुम उसके हाथ आ जाओ तो वह तुम्हें भी मार के खा लेगा। लेकिन बंदर को मगरमच्छ पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ी। ऐसे आगे चलकर मगरमच्छ की पत्नी में दुर्विचार आया। उसने कहा, बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है, ऊपर से वह रोज उन आमों को खाता होगा तो उसका दिल और ज्यादा मीठा होगा। तुम उस बंदर को मारने पर हम दोनों उसके दिल को बांट कर खाएंगे। यह सुनकर मगरमच्छ आग बबूला होकर गुस्से से पूछा, बंदर मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छी बातें करता है, मैं भला दोस्त को कैसे मारूं? इससे मगरमच्छ की पत्नी मुंह मोड़कर पति से रूठकर बातें भी बंद कर दिया। खाना पीना भी छोड़कर पति का सुख चैन छीन लिया। आखिर में पत्नी की जिद बर्दाश्त ना कर पाते हुए उसकी जिद मान गया। ठीक है, आज शाम को बंदर ले आऊंगा, तुम्हारा जो मर्जी करो, बोलकर बंदर के पास चल पड़ा। बंदर को ले जाने के लिए रास्ते में उसे एक चाल सूझी। पेड़ के पास आई हुई मगरमच्छ को देख बंदर हमेशा की तरह खुशी से मिला। बंदर दोस्त, हमारी दोस्ती के बारे में मैंने अपनी पत्नी से कहा, वह बहुत खुश हुई, तुम्हें आज दावत का निमंत्रण दिया। यह सुनते ही बंदर उछल पड़ा। पहला तो वह पेड़ पे अकेले रहने पर परिवार दावत बोलने से तुरंत मान गया। पर मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता ना, फिर जाना कैसे दोस्त? मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें कोई डर नहीं, तुम अच्छे से मेरे पीठ पर बैठो, मैं ध्यान से ले जाकर ले आऊंगा। बंदर बहुत ही उत्सुकता से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ पानी में तैरते हुए बंदर को अपने घर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद बंदर ने देखा कि मगरमच्छ परेशान था। खुशी से दावत की न्योता देखकर अब उदास क्यों हो दोस्त, बोलकर पूछा। कैसे भी आधा पहुंच गए, ऊपर से नदी के बीचों बीच है, अब सच बोल ही देता हूँ, सोचकर मगरमच्छ, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाने तक पानी भी नहीं पीऊंगी करके जिद पर बैठ गई। अब ना कुछ कर पाते हुए तुम्हें झूठ बोलकर ले जा रहा हूँ। ये बात सुनकर बंदर के होश उड़ गए। सबकी ना सुनते हुए इस मगरमच्छ पर भरोसा करने पर खुद को कोसने लगा। लेकिन बंदर बहुत चतुर था, वह बचने के लिए जल्दी सोचने लगा। तुरंत जोर से हंसकर बोला, बस इसके लिए उदास थे? पहले बोलते तो मैं खुद मेरा दिल ला कर देता ना, लेकिन अब तो वो मेरे पास नहीं है, पेड़ के पास ही संभाल कर रखा है। फिर से वापस ले जाओगे तो पेड़ के ढाल से मेरा दिल ला कर तुम्हें दूंगा, तब तुम और तुम्हारी पत्नी खुशी से खा सकोगे।
मगरमच्छ बंदर के बातों में आकर बिना दिल के बंदर को ले जाने से उसकी पत्नी चार लगा देगी करके वापस बंदर को पेड़ के पास ले गया। बंदर ने एक छलांग से मगरमच्छ की पीठ से पेड़ छेड़कर सांस छोड़ी। पेड़ के डाल पर बैठकर बंदर ने गुस्से से कहा, दिल ने कुछ नहीं, दोस्त की जान लेने वालों से मुझे कोई मतलब नहीं। इस कहानी की सीख है कि बुरों के साथ दोस्ती भी बुरा ही होता है। मेंढक और हाथी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उनमें से एक मेंढक हमेशा अपनी बड़ाई करते रहता था। उस तालाब के किनारे पर एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो घमंडी मेंढक हमेशा उस पेड़ के आगे उछल उछल कर आम तोड़ने की कोशिश करता रहता था और हर बार असफल हो जाता था। उसकी ये कोशिश को देखकर सारे मेंढक उस पर हंसते थे। उस तालाब में अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रोज एक हाथी भी आया करता था। वो हर रोज मेंढक को देखता था। एक दिन उसे उस मेंढक पर दया आ गई और वो उससे पूछने लगा, मेंढक दोस्त, तुम हर रोज ऊपर लगे आमों को तोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? नीचे भी तो इतने सारे आम हैं, इनमें से एक खा लो। मेंढक ने जवाब दिया, एक बार मैंने नीचे गिरा हुआ आम खाया था, वो बहुत मीठा था। सोचो, नीचे गिरा हुआ आम अगर इतना मीठा होता है तो पेड़ पर लगा आम कितना मीठा होगा। मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, इसीलिए हर रोज यहाँ उछल कर इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेंढक की बातें सुनकर हाथी को उस पर दया आ गई। उसने मेंढक की मदद की और हर डाल से एक आम तोड़कर उसने दे दिया। मेंढक को अब इतने सारे पेड़ पे लगे आम मिल गए थे, इसीलिए उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब हाथी उस तालाब पर आता, वो आम तोड़कर मेंढक को दे देता। तालाब के दूसरे मेंढक हाथी से दोस्ती करने के लिए उसे बहुत विशेष मानने लगे थे। मेंढक बहुत गर्व महसूस करने लगा था। एक दिन हाथी को तालाब पर आने में थोड़ी देर हो गई। वो मेंढक गुस्से में यहाँ वहाँ कूदने लगा और कहने लगा, इस हाथी को तो कुछ अकल ही नहीं है, सिर्फ बड़ा शरीर रहने से कुछ नहीं होता, अकल भी होना जरूरी है। मैं इतने समय से उसका इंतजार कर रहा हूँ और ये अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ हाथी आ पहुँचा और उसने मेंढक की बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। हाथी को आते देख मेंढक उस पर और गुस्सा होने लगा और कहा, जल्दी इधर आओ, इतनी देर से कहाँ रह गए थे तुम, आओ यहाँ और मुझे आम तोड़ कर दो। मेंढक की बातों को सुनकर हाथी को सब समझ आ गया था और वो कहने लगा, तुम अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊँगा, तुम्हें क्या? वैसे भी मेरी ही गलती है, पैर की धूल को कोई सर पर नहीं बिठाता, मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती कर ली। इतने छोटे मेंढक पर गुस्सा करना बेकार है सोचकर वो वहाँ से चुपचाप चला गया। सब मेंढकों ने उसका मजाक उड़ाया। ओ बेवकूफ मेंढक, तुम उस हाथी पर गुस्सा हो रहे थे, अगर वो तुम्हें एक पैर के नीचे दबा देता तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वो तुम्हें हर रोज ताजे आम तोड़ कर देता था, ये उसकी अच्छाई थी, लेकिन तुम्हें बस अपना घमंड दिखाना था, तुम्हें उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आई। उन्होंने उस मेंढक को अपनी गलती का एहसास दिलाया, लेकिन देर से एहसास करने का क्या फायदा, उसने अपने ही हाथों से अपने एक अच्छे मित्र को खो दिया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। बूढ़ी गाय। धर्मपुर नामक एक गांव में नागेश नाम का एक किसान था। उसके पास एक बूढ़ी गाय थी। जब वो गाय जवान थी तब वो बहुत सारा दूध दिया करती थी।
उस दूध को बेचकर नागेश बहुत पैसे कमाता था। अब वो गाय बूढ़ी हो जाने के कारण उसका कुछ काम नहीं था, इसीलिए नागेश एक दिन बाजार गया और वहाँ से एक नई मोटी ताजी गाय ले आया। वो उस नई गाय को बहुत अच्छा और ताजा चारा खिलाता था और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, पर उस बूढ़ी गाय को वो अपनी मजबूरी समझकर सूखा और पुराना चारा खिलाता था। एक दिन खूंटे से बंधी बूढ़ी गाय को खोलकर वो उससे कहने लगा, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुमसे मुझे कुछ फायदा नहीं होता है, तुम्हें चारा खिलाना भी अब बेकार है, मैं तुम्हें अब जाने दे रहा हूँ। गाय रोते रोते वहाँ से चली गई। रास्ते में उसे गोपाल नाम का एक लड़का मिला। वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? रोती हुई गाय अपना सारा हाल गोपाल को सुनाने लगी। गोपाल को उसके ऊपर बहुत तरस आ गया। वो अब उसकी मदद करना चाहता था। उसे एक उपाय सूझा। वो उसे अपने साथ नागेश के घर ले आया। उसने नागेश से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? हाँ, ये गाय मेरी ही है, क्यों, क्या हुआ? गोपाल ने कहा, क्या ये गाय आप मुझे बेच सकते हो? मैं आपको इसके बदले 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपये? इतने पैसों में तो तुम 5 नई ताजा दूध देने वाली गाय खरीद सकते हो। इस बूढ़ी गाय के लिए तुम इतने पैसे क्यों देना चाहते हो? शायद आप नहीं जानते, लेकिन एक बूढ़ी गाय को अपने घर के सामने बांधकर हर रोज सुबह उसे नमस्कार करके अगर खेत जाए तो हमें बहुत लाभ होगा, इसलिए मैं आपसे ये गाय को खरीदना चाहता हूँ। अब उसे इस गाय को नहीं बेचना था। उसने गोपाल को वापस भेज दिया और इसके बाद वो हर रोज गाय को नमस्कार करता और उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता था। उस साल बहुत बारिश होने के कारण उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे बहुत लाभ हुआ था। उसे लगता था कि ये सब कुछ उस बूढ़ी गाय की वजह से हुआ है और वो उसे एक देवी की तरह ख्याल रखता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे बूढ़ा हो या जवान, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए।